मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल ज्योतिष आइडिया में। और अभी हम जो है प्रेगनेंसी टिप्स को लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है, देखिए एक्चुअल में क्या होता था कि प्रेग्नेंट लेडी के कुछ सोने उठने और बैठने के तरीके होते हैं अपने अपने। पहले क्या होता था कि पहले अधिकतर लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, तो उनकी मदर इन लॉज जो होती थी या फिर फैमिली में जो लोग होते थे वो उनको एडवाइस कर दिया करते थे कि भाई तुमको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अभी जो है मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि सिंगल फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, अकेली वाइफ है, तो फिर उसको नहीं पता होता कि कैसे। तो इसलिए ऐसे ही लोगों के लिए वीडियो जो है बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं कि उठने की, ठीक है। उठने में आपको क्या करना है फ्रेंड, कि एक जो डॉक्टर भी बताते हैं कि प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में 3 मंथ स्पेशली आपको जो आपको झुकने का ध्यान रखना है वो स्टार्टिंग 3 मंथ में रखना है। आपको कभी भी इस तरीके से ये बैंड करके, जैसे अपन यूं झाड़ू लगाते हैं इस तरीके से बैंड आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपको नीचे से कोई भी चीज जो है वो उठानी है ना, तो आप प्रॉपर बैठ जाइएगा एकदम स्ट्रेट, जहां तक कि आपकी जो है ये कमर बस नहीं इस तरीके से मुड़नी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तो रहा बैठने को लेकर, आपको झाड़ू लगानी है या फिर आपको जो है कोई चीज, जैसे अपन जस्ट ऐसे ना ऐसे उठा लेते हैं कभी कभी ना, अपन छोटे बच्चों को भी इस तरीके से उठा लेते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको प्रॉपर सीधे बैठ कर ही उस काम को करना है, ताकि आपके जो है यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डी है यहाँ पर जो है आपको प्रेशर फील ना हो, क्योंकि ये चीजें फिर बहुत जल्दी से दर्द करना शुरू कर देती हैं और फिर पूरी प्रेगनेंसी इस दर्द को फेस करना पड़ता है। ये तो रहा आपका बैठने का तरीका। अब बात करते हैं उठने का तरीका, ठीक है। तो ये मोस्टली लोग जो है एडवाइस करते हैं कि आप जो है पैरों के नीचे आपको जो है तकिया लगाकर सोना है, ठीक है। मतलब जैसे आपको मतलब उठना कैसे है, मतलब अगर आप लेटे हुए हैं तो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप एकदम इस तरीके से लेटे हुए हैं और आप एकदम ऐसे उठ जाते हैं। ये पोजीशन जो होता है ना, ये आपके पेट पे एकदम से जो है प्रेशर लेकर आता है आपको। ऐसे जैसे आप सीधे लेटे हुए हैं, आप इस तरीके से करवट ले लीजिए, फिर हाथ का सहारा लेकर फिर आपको उठना है बेड से, ठीक है। ये हो गया आपका उठने का तरीका। अब बात आती है कि आपको सोना कैसे है। सोने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना है कि सोने के लिए आप कोशिश करिए कि आप करवट लेकर सोए और एक तकिया अपने पैर के नीचे लगा दें, दूसरा पैर उसके ऊपर रख लें। ये एक तरीका होता है, पैरों में गैप रहेगा तो पेट को जो है ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। और आपके जो दूसरा क्या होता है, बहुत से लोगों को लैग पेन का प्रॉब्लम होता है, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं कि अपने दोनों पैरों के नीचे तकिया लगा के सो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब टोटली एंड फाइनली ये है कि कोई भी ऐसा काम जो कि आप कि बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे वो आपको नहीं करना है, चाहे वो उठना हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन बातों पे विश्वास करें कि प्रेगनेंसी में काम नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में काम करना चाहिए। मैंने क्या कहा, झाड़ू आप इस तरीके से लगा रहे हैं तो इस तरीके से ना लगा के आप प्रॉपर बैठ जाइए और बैठ के झाड़ू लगाइए, ये अपने जो थाइज है इन पे वजन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन आप जो ये बैंड यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप बिल्कुल मत दीजिएगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको आज का समझ में आ गया होगा। मैं जो मैसेज आपको देना चाह रही हूँ, आपकी जो प्रेग्नेंट मॉमीज हैं वो इस चीज़ को फॉलो करेंगी। और तो आज के लिए इतना ही, वापस मिलते हैं अगले किसी टिप्स के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।